आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरे हस्बैंड को स्टोन था, उन्हें 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। हम हॉस्पिटल गए और वहाँ अल्ट्रासाउंड किए, 8 cm का कुछ स्टोन था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा और हम 2 दिन में ऑपरेशन करने वाले थे। और मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। अमृता दीदी और पीके भैया ने हमारे लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुने। अगले दिन मेरे हस्बैंड यूरिन करने के लिए गए तो यूरिन करते टाइम वो जो स्टोन था वो नीचे गिरा और हमें ऑपरेशन करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और उनको अभी कोई जलन या दर्द भी नहीं हो रहा। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपने मेरे हस्बैंड को चंगाई दिए, पत्थर को निकाल के फेंके, कोटि कोटि धन्यवाद पिता। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाइए। अपने जीवन में आप प्रभु के आश्चर्य कर्म को ऐसे ही, जैसे कि आपने इस गवाही में सुना, ऐसे ही अद्भुत कार्य, ऐसे ही बड़े आश्चर्य कर्म आप अपने जीवन में भी देखने पाएंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और दूसरे पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, यहुआ मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, यहुआ मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि यहाँ पर मूसा इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार करने वाला, मुझे विजय दिलाने वाला, मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, वही तो मेरा ईश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूँगा और मैं उसको सराहूंगा क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। आज की शाम में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन में निर्बल हो गए हैं, यदि आप अपने जीवन में थक चुके हैं, यदि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, यदि आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, तो आज आप इस वचन पर विश्वास करें। ये वचन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल है। सो परमेश्वर आपका बल है। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को, आपके स्ट्रगल्स को, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को, आपके लाइफ में जो सिचुएशन है जो बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट्स हैं, उसमें परमेश्वर आपका बल है ताकि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर आपको विजयी करे। जिस प्रकार मूसा इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि यहोवा मेरा उद्धार भी ठहरा है। हालेलुया, सच में हमारा परमेश्वर विजयी देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर भजन, यहाँ पर मूसा इस बात को कह रहे हैं, सो आप ही इस बात पर विश्वास करें, ही परमेश्वर आपको भी आपके जीवन की परिस्थितियों पर विजय दिलाएंगे। जो आपके लिए सिचुएशन असंभव है, जो मुश्किल है, जो टफ है, परमेश्वर उन्हें आपके लाइफ में पूरा करेंगे। सो आज की शाम में आप इस वचन पर विश्वास करें कि परमेश्वर हर एक निर्बलता के समय में आपका बल है, हर एक कमजोरी के समय में आपका बल है। वो आपके भजन का विषय है, वो आपकी तारीफ का विषय है, वो आपका छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। जब देख रहे हैं आप सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, तो ऐसे समय पर आप कमजोर ना पड़े, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि आपका बल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। वो आपको इस परिस्थिति पर भी विजय दिलाएंगे, वो आपको आपकी बीमारियों पर विजय करेंगे, वो आपको इस महामारी पर विजय करेंगे, आपके जीवन की परिस्थितियों पर आपको विजय करेंगे। तब आप उस परमेश्वर की स्तुति करने पाओगे क्योंकि परमेश्वर ही हमारी स्तुति का विषय है, हमारे भजन का विषय है। इसलिए आप परमेश्वर के निकट ऐसी परिस्थिति में आइए, जब आपके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, जब आपके परिवार
विचारों में मन मिटाव है, जब आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, जब आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, ऐसे समय में आपको जरूरत है कि आप प्रभु के पास आएं, उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें, उसके भजनों को गाएं, ताकि परमेश्वर का वचन जो इस समय आज की शाम में हमसे कहता है कि वो हमारा बल है, तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो परमेश्वर से आज की शाम में इस बात का अंगीकार करें, इस बात को घोषणा करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा बल है, वो मेरे भजन का विषय है, वो ही मेरी स्तुति के योग्य है, मैं उसे सराहूंगा, वो मुझे विजय देगा मेरी सारी परिस्थितियों पर। सो आज की शाम में आप इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको इन परिस्थितियों पर विजय देने वाले हैं, आपका उद्धार करने वाले हैं, आपको इनसे छुड़ाने वाले हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने विषयों को आज की शाम में प्रभु के सम्मुख रखें, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप चुपचाप न रहें, उदास न रहें, रोते न रहें, परंतु इस समय अपने मन को खोलकर, अपने हृदयों को खोलकर परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें। सो आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में आते हैं परमेश्वर लॉर्ड। थैंक यू फादर कि आपने प्रभु दिन भर में सुरक्षित हम सबको रखा और ये समय दिया परमेश्वर कि हम आपसे प्रार्थना करें, आपके निकट आए, आपकी सुने और अपनी बातों को आपसे कहें। ओ हमारे प्रिय मित्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे शारोन की गुलाब, हमारे स्तुति और भजन का विषय, हम प्रभु आपको सराहते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। वी प्रेज यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर अ जेंटल लॉर्ड, यू आर अ किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस, यू आर अवर सेवियर लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टाइम लॉर्ड फादर। इन दिस इवनिंग आई कमिट ऑल द पीपल्स इन योर ऑलमाइटी हैंड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज की शाम में परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन आज की शाम की प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते लॉर्ड, फील करने पाए प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हम आपको इनवाइट करते हैं, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, प्रार्थना में इनकी अगुवाई करें, यीशु से खुलकर अपनी बातों को कहने में इनकी मदद करें प्रभु, एक एक को आप जुम्बिस करें प्रभु जी, ये महसूस करें प्रभु तेरी उस होली प्रेजेंस को। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम में परमेश्वर इनका छुटकारा होने पाए हर एक मुसीबत हर एक विपत्तियों से। आज ये जो भी विषय लेकर आए हैं प्रभु, कोई भी आज खाली हाथ न जाए प्रभु, ये अपने प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपसे लेकर जाने वाले हो सके लॉर्ड, आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर, इन्हें आपकी जरूरत है, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपकी संतान है परमेश्वर, क्योंकि आप इनका बल है, आप इनका उद्धार है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आप इनके ईश्वर है प्रभु यीशु मसीह, आप इनके छुड़ाने वाले हैं प्रभु। हालेलुया, जो वचन आज की शाम में जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, सच में प्रभु जी आप हम सबका बल है परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्बल महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में आप उनका बल बन जाइए, आप उन्हें अपनी बल शक्ति और सामर्थ्य से भरिए प्रभु, ताकि वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियां, उन पर वो विजय प्राप्त कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु, महामारी के चलते प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो निराशा में है पिता प्रभु, बेरोजगारी में है परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, असफलताएं उनके जीवन में, कुछ भी उनके जीवन में अच्छा नहीं हो पा रहा है प्रभु, आपसे विनती करते कि इन्हें आपकी जरूरत है यीशु, इन्हें आपकी जरूरत, आप इनके जीवन में आइए प्रभु, और प्रार्थना है कि आप इनका बल बन जाइए परमेश्वर प्रभु, आप इनका छुटकारा करें प्रभु, आप इन्हें विजय करें इन परिस्थितियों पर प्रभु, आप इन्हें विजय करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब इनके घर परिवारों में प्रभु जी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पिता, इन प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में देते, ये पारिवारिक समस्याएं अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए लॉर्ड, आप इन्हें आजाद करें, इनके परिवारों को इन प्रॉब्लम से आजाद करें, और कहते हैं प्रभु आपकी सुख शांति समृद्धि ब्लेसिंग्स प्रभु इनकी फैमिली में आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की शाम में प्रभु, जो लोग बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के
नाम से उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं। लॉर्ड आप इसी समय उन्हें छू लें और चंगा करें। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु इस समय प्रभु जी जो बीमारी के कारण प्रभु जी बिस्तरों में पड़े हैं और उनके शरीर में बल नहीं है कि वो खड़े हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय आप उन्हें छू लें और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, वो उठ खड़े हों यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी से इस समय जो आपके बेटे बेटियां पीड़ित हैं, दर्द उनके शरीर में है, आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपने बीमारी के जगह पर हाथ रखें। हालेलुया, इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखा है यीशु के नाम से, ये बीमारी जो इनके शरीर में अभी और इसी वक्त मौजूद है, हम कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कोरोना वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं जो प्रभु इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित है। पिता परमेश्वर प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु उन्हें छू ले और चंगा करे यीशु के नाम से, अभी और इसी वक्त वो कोरोना वायरस से चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता कि आपने छुआ और चंगा किया। लॉर्ड हमारे देश से भी इस वायरस को नष्ट होने में मदद करे प्रभु, आपके लोग जो प्रभु अपने घरों में इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लॉ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश को ज्यों का त्यों करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारा बल है। आज की रात में हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जिन्हें सपनों के द्वारा दुष्ट आत्माएं परेशान करती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं का कार्य नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद इन्हें और इनके परिवार को दुष्ट के कार्यों से आजाद करें। आज की रात में हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, और गलत विचार नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते आज की रात को, इन भाई बहनों को और जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो हमें व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और फेसबुक में अपने निवेदनों को भेजते हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए। जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए, और वचन और प्रार्थना में बढ़ाइए, तेरी सिद्धताई में, तेरी पवित्रताई में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।